वहाँ पे बना रहा अबे नक्सली समझ रही हूँ। सो कैसे हो आप सब, मैं हूं निशिरन और आज सामने एक नए ब्लॉग के साथ। सो हम लोग चल रहे पैदल दिल्ली में सुबह के टाइम कितना हो रहा है सुबह के 5:52 हो रही है। हम चल रहे हैं यहाँ पे पैदल चल रहे हैं। अब हम बस स्टैंड की ओर जा रही है जा रहा हूँ ठीक है। तो हम लोग बस स्टैंड की मार तो हाँ तो हम लोग बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं। ट्रेन चल रहा है। सो फाइनली हम लोग बस स्टैंड पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक दादाजी ने हमें बताया कि हमारी जो बस है वो है 405 या 439 या 403। ये तीनों जाती है पुरानी, नहीं मास्क यार बहुत दिक्कत दे रहा है। ये तीनों जाती है हमारी पुरानी रेलवे स्टेशन में जहाँ हमें जाना है राइट। और वो आती रहती है, ऐसा नहीं है उसका कोई टाइमिंग नहीं है, वो आती रहेगी, आपको कहीं भी मिल जाएगा बस, मतलब बस स्टैंड में मिलेगा और राइट। तो चलते देखते वहाँ पर क्या सीन है क्या नहीं। हम रूम लेंगे उसके आसपास ही लेंगे तो, क्योंकि हम लोग को रात के 9:20 को वहाँ से ट्रेन है कलका के लिए राइट। उसका भी हम लोग को देख के चलना पड़ेगा और बाकी शॉपिंग वॉपिंग करना है यहाँ पे हमें, जितना हो सके जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे जितने टाइम में उतना पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे करने की राइट। तो मिलते हैं आगे चल के, बाय। सो कैसे हो आप सब, तो हम लोग बैठे हैं या एसी के वेटिंग हॉल में राइट। यहाँ नीरज सब बैठे हैं, हम लोग यहाँ 2 घंटे रहेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर, हम घूमेंगे आराम से मस्त अच्छे से। हमें हमारा घूमने का प्लान है। और सीन क्या हुआ, हम लोग रेलवे स्टेशन में आए तो नीरज वीडियो बना रहा था, सिक्योरिटी जहाँ पे सिक्योरिटी चल रही थी वहाँ पे नीरज वीडियो बनाया और उसको पकड़ लिया राइट यूट्यूब पे। और मतलब उसको आधा चेक कर रहे थे क्योंकि वो वीडियो बना रहा था, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था कि आप वीडियो नहीं बना सकते थे, वहाँ पे बना रहा था। नक्सली समझ रही हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेन जो था जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है वहाँ पे वीडियो बना था, जहाँ पे नहीं बनाना चाहिए उसके कारण फाइन लगते बच गया राइट। और अब देखते हम लोग यहाँ से निकलेंगे नाश्ता देंगे यहाँ पे फाइन लगा 1000 रुपये दे के आए। अच्छा चलो ठीक है, मेरे को नहीं पता था कि मैं पिंग के पास से निकल गए थे क्योंकि 2 लोगों वहाँ पे रुका है बस, राज और नीरज को रुका है कि को रहते मैं जानबूझ के रुका था। अच्छा ठीक है, ऐसे भी मेरे को नहीं पता राइट। तो ऐसा सीन है, फिर अब यहाँ पे या क्लॉक रूम में हम लोग सामान छोड़ेंगे उसके बाद दिल्ली घूमेंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं, अपने हमें नाश्ता भी करना है। सो फाइनली हम लोग अपना जितना भी लगेज था वो लॉकर रूम में छोड़ दिए, वहाँ से हम लोग निकले हैं कुछ खाने के लिए, नाश्ता भी हमें भूख लग रहा है राइट। और हमें घूमना है आज दिल्ली पूरा, टाइम है हमारे पास, रात तक ही टाइम है, तब तक क्या करते हैं क्या नहीं वो देखा जाएगा। पीछे आ रहे थे भैया, ट्रैफिक ही बहुत है। और मेरे को भी कुछ चीज़ें लेना, गोरिल्ला स्टैंड का मेरा जो मोबाइल होल्डर था वो भी नहीं है मेरे पास, वो लेना है मेरे को अभी। तब पीछे आ रहे मैं आगे भगते आ गया, तो धूप उधर सारा मैं कैप हटा लिया क्योंकि शेड पड़ रहा है मेरे आँखों में राइट। अरे दिल्ली की ट्रैफिक, असल में हमें पता नहीं है कुछ कि कहाँ क्या नाश्ता मिलने वाला है, हम लोग बस चल रहे हैं देख रहे कुछ मिल जाए तो अच्छा है राइट, वही तलाश में। वैसे एक तो मिला था सब सब्जी कुछ रोटी वोटी था, वहाँ पर पसंद तो आया नहीं, देखे मेरे को हमको समझ आया नहीं वहाँ क्या है राइट। आगे देख रहे कुछ और चल रहा हूँ, और हमें ये भी नहीं पता कि आज हमें कहाँ कहाँ जाना है, जो भी है डिसाइड करेंगे। राइट अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ वो भी मेरे को नहीं पता, ये करेक्ट ये परफेक्ट लोकेशन कहाँ है मेरे को नहीं पता। राज भी अपना ब्लॉग बना रहा है, सब कर ही रहे हैं राइट। लेकिन मैं इसे धो के जेब में डाल के।